मेरा नाम रेहान मीर है, मैं सेकेंड क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 8 साल का हूँ, मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रोफाइल है लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर के नाम से। तो क्या कर रहे हैं आप इसमें? मैं साइकिल व्लॉगिंग करती हूँ। आपका एक सॉन्ग जो है उसका मैंने थोड़ा सा सुना था, मैंने अपने वीडियो पे ही उसका ये क्यों थी दिलबर है ये क्यों थी दिलबर क्यों मैं आवाज सुना रहा हूं यही ना आप क्या आपको ट्रावोस ना इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो। कैसा सॉन्ग लगा आपको? बहुत अच्छा। एक बार गा पा कब? अरे यहां पे नहीं, यहां पे थोड़ा एक लाइन सर। ये क्यों थी बोले हम दे। बहुत ज्यादा अच्छा, मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू। वो तो बंद, वो ऐसे का सही बात। ठीक है, क्या हो गया है? लगता है बिना समोसे के मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलेगी। मुझे तो ढोलकपुर जाना है, मेरी गाड़ी तो खराब हो गई है जानी। मैं ढोलकपुर से आया हूँ, मुझे ढोलकपुर जाना है, मुझे ढोलकपुर के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। जान बनेगा डॉन, पूरी दुनिया कहती है क्यों। ये है कश्मीर का लिटिल हीरो जो की बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाता है। थैंक यू, लव यू। यहाँ हर धर्म सम्मान है, चाहे गीता ग्रंथ कुरान है या सिख हिंदू की जान है। जब सुनते सब अजान इस वादी में जो रहता है, कौवा में आलम कहता है या सीना तान जो चलता है, ना जाने क्या क्या सहता है। अरे इसको इसको सपोर्ट करो क्योंकि इसमें ये कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस मेन जो करता है ना मैटर। मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, मैं थोड़ा ये घसन ये मैं घास नहीं शी इवन डायरेक्टर यार थोड़ा हूटिंग हूटिंग लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर। तो बाकी जो परफॉर्मेंस है वो सारी हो गई। मेरा सॉन्ग कैसा लगा? लिटिल हीरो का भी सॉन्ग था, बहुत ही बढ़िया, एकदम सा क्यूट बच्चा है ये देख लीजिए। और उमर नजीर साहब को तो आपने देख ही लिया। तो ये है लिटिल हीरो के पापा, ये देख लीजिए अस्सलाम वालेकुम ये पापा। तो ये लिटिल हीरो है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे हमारे सेठी भाई जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, शुपियान के हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो कश्मीर यूट्यूब फैन फेस्टिवल मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था श्रीनगर में, और यहाँ पे लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर और सेठी भाई देखो कैसे क्या आप चलो आप चलो और आपका नाम क्या? मेरी मम्मा ने मुझे आपसे बात करना है। मैं रोज के बिजनेस में रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। मम्मा को ही अ क्यूट गाय ही इज सहर खान बिकॉज हिज मदर जस्ट लेफ्ट हर फास्ट वन डे है ना। गाइज ये हमारे कश्मीर का स्टार है, हमारा हीरो है एंड बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। क्यों रेहान? रेहान सहरी पे कितने लोगों को उठाया? बहुत सारे। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। बहुत अच्छा। तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? मैं तो छोटा मोटा नहीं। तो उनको चावल खिलाओ ना रोज 15-15 प्लेट आपको मिल जाएगा 5 लाख सब्सक्राइबर। कहते हैं इधर यार बीच में इधर बढ़िया कश्मीर आप दिलाओ ना। मैं दिलाऊंगा ना आपको। और ना तभी जो भी हमारे कस्टमर है, जो भी हमारे ग्राहक है, जो भी हमारे फैंस है, मैं उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे पास छोटा बच्चा बैठा है, एक अच्छा व्लॉगर है, इनका सपोर्ट की जरूरत है। तो इसकी जो चैनल है वो आप फॉलो कीजिए, लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर। लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर से रियल लाइफ ऑफ द कश्मीर। क्या नाम है? लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर। लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर। ओके, इसको सपोर्ट की जरूरत है। सो यू वांट टू सपोर्ट? ओके। तो गाइस मुझे मिल भैया की बहुत ज्यादा याद आएगी, बहुत याद आएगी। साइड वाला मजाक के बिना की बहुत याद आएगी मेरा। मुझे यहाँ पे सबकी याद आएगी, बहुत याद आएगी आपको। नहीं आई मेरी याद। मजाक मजाक कर रहा हूं, सबकी आएगी यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया। Thank you.
गाइस ये देख रहे हो कहाँ पे अभी टाइगर हॉल। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो अबू जी, देखो पीछे से अबू जी। तो गाइस टाइगर हॉल को एंटर करते हैं, खुल जा सिम सिम कर, मुझे लग रहा है भाई सर चूज में कैरेक्टर करा तो आपने चूज आसान ये नहीं करा। श्री भाई हेलो मैं श्री भाई, श्री भाई खबर पहुंच चुका हूं। तो मैं सही भाई तेरे को ले गई है जीजी ने जीना तमो के बारा का। तो मैं ये पर कैसे पहुंचा हूं तेरे के तेरे तमो चल सी जैसे भाई ये छ एंशन जाए आप ये तक क्राल कम छ तीसा प्रण कि तक छ गोख तक क्या बना गोख क्राल क्या छ गोख द पांच ना अर्ली मैन ते बस गोफन मस्ते रोजा तते दिस लुक गॉट अ गोफन मंस ही रोजा। Please keep the track of Little Hero of Kashmir ready. आप सबके सामने आ रहे हैं Little Hero of Kashmir जो कल यहाँ पे थे उनको शायद पता होगा, जो आज यहाँ पे आए हैं जो छोटा शहर खान ऑफ कश्मीर आप सबको ट्रेन करने के लिए रेडी है। So please keep the track ready. Here we go. कहानी शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ। 14 साल का बच्चा है, हर महीने 3.5 लाख रुपए का ड्रग्स लेता है वो, आप इमेजिन नहीं करेंगे। और काउंसलिंग भी उसकी चल रही है कि हम उसको वापस कैसे लेके आएंगे। मेरे भाई जो ड्रग्स करते हैं ना, आप अपने आप को खराब नहीं कर रहे हो, आप अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस को खराब कर रहे हो, आप सोसाइटी को खराब कर रहे हो। अगर आप मेहनत करोगे ना, क्या पता आपसे इंस्पायर्ड लोग होके दुनिया को और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। उर्दू कौन सा होता है? उर्दू किस कैंडिडेट?
تم چھ ٹرانسلیٹ کر اردو یس یس لینگویج از دیر گڈ وی ایکسچینج ہونے تھی چلو انگلش کمیونیکیشن پر ہوئے سو ایسے نے تم سو ایسے نے چلو تھینک یو سو مچ ये मैं हूँ और ये मैं शूट कर रहा हूँ बिहाफ ऑफ द लिटिल हीरोज ऑफ कश्मीर सो गाइस ये है आपका बंदा आपको पता नहीं है ऑलरेडी आप आरएस के बोर्ड पे पहुंच चुकी हो आरएस कैंपस के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है उसमें सबकी पिक्स हैं और आरएस में जितने भी सिंगर हैं रमेश शमिया अदनान सामी मीका दलजीत दोसांझ गिप्पी गरेवाल सारे आ चुके हैं हीरो ऑफ कश्मीर से अभी आ चुका है इसी व्लॉग्स में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है एंड एट द सेम टाइम मैं इनके पापा की बात ही कर रहा था एक्चुअली जो इनको हमेशा साथ देते हैं इस चीज में आई थिंक एक क्वाइट यूनिक थिंग इस जमाने में जब हमको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इसको कर रहे सो सर थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू की स्माइल बहुत क्यूट है मुझे लग रही है कि है ना थैंक यू ब्रो थैंक यू सो मच एक सॉन्ग अपने अप्पू जी के लिए अरे प्लीज तारों ने पूछा सितारों से सितारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है पापा For this session, little hero of Kashmir, वो यहाँ पे है अरे हमारा अपना छोटा सारखन ये तो little hero ही ना आ रही है कोई वहां से अच्छा 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 बेटा Congratulations. Love you guys. Thank you. एक बार जाने से पहले आप एक बार इनको जगह के जाओ थैंक यू सो मच गाइज फॉर प्रेजेंट अरे हाँ तो मिसाब साहब हमेशा ये अरे आइए सबसे मुद कीजिए दिस केक इज योर स्क्रैपर जो से आप कहते हैं आप कह सकते हैं एंड दिस केक पे अदर साइड क्या चीज है आप फूट पड़ी इस पे ये सब अरे आइए आइए ये सब आपके तो है आपके लिए मैं प्लीज आपको वीडियो के लिए रील्स नहीं है कैन यू जस्ट स्मोक प्लीज चलिए आगे एंड ये जो आप पे सब पे बढ़ेगा डोंट वरी अबाउट इट एंड देन आगे भाई प्लीज शाफी कम ऑन नहीं शाफी कम ऑन एक बार जरूरत है शाफी आठ बार इसके लिए तो गाइस यहाँ पे फेस्टिवल खत्म हुआ गाइस राजा सर ने बहुत मेहनत से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और उनकी पूरी टीम ने बहुत मजा आया जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर थे सब आए थे बहुत ज्यादा मजा आया उनमें से सिर्फ मैं छोटा था और ये बड़ा था सबसे बड़ा था तू बड़ा मैं छोटा भी था बड़ा भी था क्योंकि एज में छोटा था और कंटेंट में बड़ा था हाँ आपको कैसा मजा आया
बहुत मजा आया एंड रियली एन ऑनर राजा सर आए राजा सर छोटे सर खान जो मैंने आज इनको सुना वक्त के साथ एक बार इनके लिए बोल दो ना वक्त के साथ बहुत मेहनत की राजा सर की राजा आदम के नाम से सर का इंस्टा फेसबुक यूट्यूब सर को फॉलो लाइक शेयर क्या शॉट है भाई बस